आप सोचिए आपके छोटे से छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या तमाम वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिनमें चिप की ज़रूरत होती है। आप जो प्रदर्शनी यहाँ देख रहे हैं, हमने सुबह भी जब अपने संवाददाता से बात की तो उसने कहा था कि जब हम B2B बिजनेस की बात करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए इस तरह के जो मंच हैं वो कैसे इनोवेशन और डिज़ाइनिंग को आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर के लिए प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि मेड इन इंडिया चिप। अगर मोबाइल प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं जिसमें भारत अब लगातार उसके जो आंकड़े हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं, उस लिहाज से इस क्षेत्र में हम आगे कैसे जाएंगे, क्योंकि वैश्विक केंद्र के रूप में भारत को कैसे सेमीकंडक्टर के तौर पर स्थापित किया जाएगा उस लिहाज से बहुत अहम हो जाता है ये सेमिकॉन इंडिया 2024 जिसका जिक्र मैं लगातार हम आपसे कर रहे हैं। क्योंकि सेमीकंडक्टर में जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं उसको बढ़ाने के लिए कैसे भारत आगे आएगा, इसमें किन तमाम प्लेयर्स की अहम भूमिका रहेगी और पॉसिबिलिटी क्या रहने वाली है, इसको लेकर ये सेमीकॉन इंडिया बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो थीम है वो शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर है। और ये कुछ ऐसे अहम क्षेत्र हैं जैसे सेमीकंडक्टर की जब हम बात करते हैं जो आने वाले सालों में अनएक्सप्लोरेबल एवेन्यूज़ के तौर पर आगे आते जाएंगे। आप देखिए कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, पॉलीकैब इंडिया, HCL टेक्नोलॉजीज कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अहम तौर पर आगे आ रही हैं, और इसीलिए आप ये समझिए कि PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद के लिहाज से हम इस क्षेत्र में कितना आगे जा सकते हैं, रिसर्च, इनोवेशन और डिज़ाइन। और इसमें हमें ये भी समझना होगा कि अगर हम यूनिवर्सिटी या स्कूल लेवल से ही इस पूरे सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सभी को ट्रेन या प्रशिक्षण देने की कोशिश करते हैं तो इस पूरे क्षेत्र में जो सेमीकंडक्टर की हम बात करें जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियाँ अब अपने लिए मार्केट खोज रही हैं तो रोज़गार के कितने मौके यहाँ पर सृजित होंगे, उस लिहाज से ये अहम हो जाता है सेमीकंडक्टर का जो 2024 में हम आज प्रधानमंत्री का संबोधन अब से कुछ ही देर में सुनेंगे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात है और अगर भारत में इस तरह की टेक्नोलॉजी बनती है तो क्या बाकी देश इसमें स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ हाथ मिलाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कई मंचों से कहा कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर, ये तीन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो आने वाले आत्मनिर्भर भारत की पूरी परिकल्पना को सृजित करते हैं, और जिस विकसित भारत का सपना भारत देख रहा है और 2047 तक उसे पूरा करना है उस लिहाज से ये बेहद अहम हो जाता है। तो सेमीकंडक्टर सेमीकॉन इंडिया से जुड़ी जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन करते हुए नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर, और ये छोटा सा जो पुर्जा है सेमीकंडक्टर कितना बड़ा होता है आप देखिए अपने मोबाइल को अभी खोलिएगा और खोल कर देखिएगा कितनी छोटी सी वो चिप है, पर वो चिप छोटी है लेकिन है बहुत बड़े काम की, और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से कमाई के अवसर आप नहीं समझ सकते कि कितने ज़्यादा असीम हैं। इसका भविष्य उज्ज्वल है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का सबसे बड़ा आदान प्रदान जब हम विकसित देशों की बात करते हैं वो हिचक तो ख़त्म हुई है, और सेमीकंडक्टर में गैजेट्स में आप समझिए कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। आप ट्रेन की बात कर रहे हैं अगर वो इलेक्ट्रिफाइड है, आप बात करते हैं जिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की हम बात कर रहे हैं, आने वाला मार्केट किसका है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, किससे चलेगा, चिप से चलेगा, और वो चिप अगर भारत में बनती है, भारत की कंपनियां उसमें निवेश करती हैं तो इस लिहाज से प्रशिक्षित युवाओं की, प्रशिक्षित स्टार्टअप्स की, एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत पड़ेगी, और जब इस तरह के क्षेत्रों में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा तो आप देखिए जिस आर्थिक ग्रोथ की हम बात करें उसके लिए एक अलग ही सेक्टर साफ तौर पर समझ में आता है। 3 से 5 बिलियन का निवेश उम्मीद की जा रहा है कि सेमीकंडक्टर के भविष्य में यहाँ पर आएगा, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, और इसमें नोटिबली ग्लोबल प्लेयर्स के भी उतरने की उम्मीद है, और जब ग्लोबल प्लेयर्स इसमें उतरेंगे क्योंकि मुफीद माहौल उन्हें यहाँ मिलेगा काम करने के लिए, जब हम लेबर की बात कर रहे हैं, जगह की बात कर रहे हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस है और लाल फीताशाही से आज़ादी है, तो उस हिसाब से जो एक सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम है कितना ज़्यादा वो अहम और मुफीद बनाया गया है यहाँ से उन लोगों के लिए जो यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि देश का भविष्य अब AI, सेमीकंडक्टर
और इलेक्ट्रॉनिक अनुसंधान पर निहित है, निर्भर है। इसका जिक्र भी हम इस मंच से लगातार कर रहे हैं कि आप समझिए 150 से ज़्यादा वक्त और 250 से ज़्यादा जो प्रदर्शक हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं, और क्योंकि वो इसमें शामिल हो रहे हैं तो वो ये दर्शाता है कि इस पूरे क्षेत्र में कितनी ज़्यादा संभावनाएं हैं निवेश की। और क्योंकि प्रधानमंत्री की सरकार का ये तीसरा कार्यकाल है, इसलिए उद्योग जगत ने भी एक हैंड्स अप दिया है, बूस्टर डोज माना है कि भारत की जो सेमीकंडक्टर की यात्रा है उसमें तेजी आएगी। तो जब सेमीकंडक्टर उत्पादन की बात हम कर रहे हैं, उसमें वैश्विक पटल पर अग्रणी भूमिका निभाता हुआ भारत नजर आएगा, और भारत ने अपनी इस प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया है। भारत मोबाइल फोन निर्माण का एक प्रमुख केंद्र है और इसका निर्यात अब वैश्विक बाजारों तक हो रहा है, और भारत के पास हर उपकरण के लिए, कितना इंपॉर्टेंट बयान है ये प्रधानमंत्री का, इसे समझिए कि भारत के पास जो हर उपकरण है उसके लिए मेड इन इंडिया चिप विकसित करने का सपना साकार करने की पूर्ण क्षमता है। अगर प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं और वहाँ पर जो फेलो लोग हैं या जो देश यहाँ पर प्रदर्शक बनकर आए हैं, जो वक्ता है, वो सुनते हैं, तो कितना अहम हो जाता है इस क्षेत्र में निवेश को करना। और इसीलिए सेमीकंडक्टर और आधुनिक प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब हम भविष्य को संवारने की बात करते हैं, उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, तो अभिन्न रूप से इसमें जुड़े हुए हैं। और इसीलिए भारतीय सेमीकंडक्टर पर मिशन मोड में काम हो रहा है ताकि हर उपकरण में मेड इन इंडिया की चिप हो। और ये क्यों नहीं हो सकता, इसका आह्वान प्रधानमंत्री ने 78वें जो स्वतंत्रता दिवस है उस पर भी किया था, क्योंकि भारत के पास पूर्ण समाधान प्रदान करने की प्रतिभा और साधन है, सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी हैं और फैसिलिटेटर के रूप में भी हम यहाँ पर मौजूद हैं। इसीलिए जो सेमीकंडक्टर का पूरा मार्केट है, इसमें तमाम जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, B2B बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं। वर्कफोर्स डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, वो कितना ज़्यादा मुफीद हो जाता है जब हम सेमीकंडक्टर्स को लेकर आते हैं, और छोटे छोटे उपकरणों में भारतीय जो पेशेवर हैं, भारतीय जो कामगार हैं, उनके द्वारा बनाए गए ये जो सेमीकंडक्टर्स अगर लगाए जाते हैं, उससे भारत के आत्मनिर्भर बनने का जो उद्देश्य है वो साफ तौर पर पूरा होता हुआ नज़र आता है। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भाई जो तमाम कंपनियां आए हैं विदेशी पटल पर वो हमसे प्रेरित हैं, यानी कि हमारे यहाँ जिस तरह से काम किया जा रहा है, मोबाइल प्रोडक्शन में देखिए हम कितने आगे पहुँच गए, और सर्विस प्रोवाइडर्स के रूप में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सेमीकंडक्टर क्षेत्र का अहम रोल यहाँ माना जा रहा है। और कुछ ही देर में जब प्रधानमंत्री यहाँ पर संबोधन देंगे तो उसमें किस तरह की नीति रहेगी, कैसे तमाम जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके लिए या फिर वो इसमें किस तरह से भाग लेंगे, तो वो देखना बहुत अहम हो जाएगा। मेक इन इंडिया तो है ही भारत का लक्ष्य, लेकिन अब दूसरा क्या है, इट इज़ मेकिंग फॉर द वर्ल्ड। और उस लिहाज से ये मंच कैसे आपको प्रदान करता है वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़, वो तमाम मौके एक ही अम्ब्रेला की गैम्बिट में, ये हमें समझना होगा, क्योंकि भारत में टेक्नोलॉजी क्षेत्र में पावर हाउस बनने की क्षमता है जब हम सेमीकंडक्टर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और अभी हमने देखा कि कुछ इसी तरह के समझौते जब प्रधानमंत्री सिंगापुर गए वहाँ पर भी हुए कि कैसे दूसरे देश की टेक्नोलॉजी से ट्रांसफ़र कर इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो भारत के लिहाज से आप देखिए कि सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, कैपिटल। कैपिटल की कोई समस्या नहीं है क्योंकि सरकार ने इसके लिए 62,000 करोड़ रुपये के लिए प्रोत्साहन की प्रतिबद्धता जताई है। और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सचिव एस कृष्णन ने पहले भी कहा था कि 76,000 करोड़ रुपए पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं और नई परियोजनाओं के लिए और कैपिटल निवेश की भी मंजूरी है। और इस क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए करीबन 20 से ज़्यादा प्रस्ताव मिले हैं, जहां पर भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में स्थापित जो प्रौद्योगिकी का सेगमेंट है उसे लक्षित कर रहा है, जो बड़े आकार के चिप्स यानी कि जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उन्हें प्रदान करेगा। और कुल लागत को कम करना और उस लिहाज से किफ़ायती प्रोडक्शन, रिसर्च और डेवलपमेंट को आगे लेकर जाना, कई स्तरों पर चेक्स एंड बैलेंसेस, ये अहम हम मान सकते हैं
इस प्रदर्शनी के घटक रहेंगे, जिसमें जब प्रधानमंत्री संबोधन देंगे तो हम देखेंगे। दुनिया के पास जब हम बात करते हैं कि आपूर्तिय विश्वसनीय भागीदार बनने की क्षमता किस में है, भारत में, और ये कैसे पूरा होगा कि हम जब किसी भी क्षेत्र में किसी और देश पर निर्भर नहीं होते तो उससे आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है। आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा तो आप अपने यहाँ जब प्रोडक्शन करते हैं तो फैक्ट्रीज लगाने में आप समझिए कम पैसा लगता है, फिर वो पैसा आपके रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च होता है, और जब वो आपके रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च होता है तो कैसे इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। और सेमीकंडक्टर निर्माण में जब भारत बड़ा भागीदार बनकर उभरेगा, और प्रधानमंत्री ने जो गोलमेज बैठक की थी अभी इन तमाम जो सेमीकंडक्टर चिप से जुड़ी हुई तमाम कंपनीज के सीईओस के साथ, तो कैसे ये विजन खाली व्यवसाय को बढ़ावा नहीं दे रहा है बल्कि भारत के भविष्य को भी आकार दे रहा है, क्योंकि हमें कैसे लोकतंत्र और टेक्नोलॉजी से मिलकर मानवता का कल्याण सुनिश्चित करना है। आप देखिए उसमें सेमीकंडक्टर क्षेत्र की कितनी बड़ी भूमिका इसमें दिखाई देगी, और सरकार इस क्षेत्र में संतुलित नीति का पालन करेगी। और बैठक में जब हमने देखा कि सेमीकंडक्टर उद्योग की जो नामी कंपनीज़ हैं वो इसमें शामिल हुए, ताकि जिस विजन के साथ प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी को लेकर और जहां फ्यूचर की उज्जवल भविष्य की बात हो रही है उसे लेकर कैसे तमाम कंपनियां जो हैं वो भी अपना दृष्टिकोण प्रधानमंत्री के साथ साझा करती हुई नज़र आई। सेमीकंडक्टर क्या है? डिजिटल युग का आधार, उस डिजिटल युग का कि आपके तमाम जो सॉल्यूशंस हैं वो स्मार्टली आपके फ़ोन पर अवेलेबल हैं, आप पेमेंट्स कर रहे हैं फ़ोन के ज़रिए। और जब हम उद्योग की बुनियादी ज़रूरतों की बात करते हैं वो कैसे पूरी होंगी, वो दिन दूर नहीं है कि जब सेमीकंडक्टर इन उद्योगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खड़ा होगा और अहम भूमिका निभाएगा। जब प्रधानमंत्री ने इन तमाम सीईओ से बात की और अन्य विकास के जो स्तंभ हैं उनको लेकर चर्चा हुई तो उसमें सामाजिक, डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचे में समावेशी विकास को कैसे बढ़ावा देगी सेमीकंडक्टर की ये क्षेत्र, उस पर भी चर्चा हुई है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग नवाचार में कैसे निवेश को आकर्षित किया जाए, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड के आधार पर भारत के पास पर्याप्त प्रतिभा और कौशल मौजूद है, और इसीलिए भारत इस तरह के क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी उत्पादों को विकसित करने में सक्षम है। वहीं तमाम जो आर्थिक सुधार हैं उन पर भी बातचीत हुई, जिसको लेकर सेमीकंडक्टर उद्योग की अपार संभावनाओं को लेकर भी चर्चा हुई है, क्योंकि जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं G20 में जिस तरह से भारत ने इसकी अगुवाई की है तो विकसित और विकासशील देशों की खाई को पाटने के लिए भी इस तरह के क्षेत्रों की पहचान को चिन्हित करना बेहद ज़रूरी है। भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में वैश्विक मानचित्र पर अब आ चुका है और भरोसा ये जताया गया है कि भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग में वृद्धि दुनिया के लिए लाभदायक साबित होगी, और इसीलिए भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में कच्चे माल में वैश्विक जो क्षमता है या वैश्विक शक्ति बनने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन किया गया, और इस प्रदर्शनी से कई ऐसे स्टार्टअप्स होंगे जिनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई है, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होंगे जो कहीं ना कहीं मानव कल्याण से जुड़े होंगे, और 2026 तक ये उम्मीद की गई है कि भारतीय बाज़ार, अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो 55 जो बिलियन डॉलर है उसको पार कर जाएगा। और तीन बहुत अहम क्षेत्र हैं जहां सबसे ज़्यादा मांग है जब हम चिप्स या फिर सेमीकंडक्टर को सफल होते हुए देखते हैं, स्मार्टफोन, ऑटोमोटिव कंपोनेंट, कंप्यूटिंग और डाटा स्टोरेज। और उस लिहाज से आप देखिए कि स्मार्टफोन्स की जो खपत है वो कितनी बढ़ रही है और उसके बढ़ने से सेमीकंडक्टर को कितना फ़ायदा होगा, ये विन विन सिचुएशन है। डिजिटली आप जितना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और डिजिटली आप जितना उन्नत होते हैं उस लिहाज से सेमीकंडक्टर को उतना फ़ायदा मिलता हुआ, तो दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। और वैश्विक केंद्र के रूप में भारत सेमीकंडक्टर में किस तरह से आगे बढ़ेगा उस लिहाज से इस सेमीकॉन इंडिया 2024 से बहुत इम्पॉर्टेंट टेकअवेज
अभी कुछ ही देर में जब प्रधानमंत्री संबोधन देंगे वो निकलकर सामने आएंगे। तो तमाम उन आपूर्तियों का जिक्र करना, खास तौर पर रणनीति के लिहाज से नीति का प्रदर्शन, ये सबसे अहम होने वाला है आज। और कैसे जो तमाम बड़ी कंपनियां हैं वो यहां पर आकर्षित होती हुई नज़र आ रही हैं सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, और दुनिया के पास कैसे हम कई सॉल्यूशंस को लेकर जाएंगे। उन सॉल्यूशंस को जब पहले उम्मीद यही की जाती थी कि भाई ये तमाम जो सॉल्यूशंस हैं वो सिर्फ विकसित देशों के पास हैं, लेकिन अब सॉल्यूशंस के लिहाज से भारत भी फैसिलिटी प्रोवाइडर है और सॉल्यूशन प्रोवाइडर, और खाली अब हम जो विकसित देशों के सहारे नहीं है क्योंकि हम अपनी टेक्नोलॉजीज़ को खुद जेनरेट कर रहे हैं, हम अपनी टेक्नोलॉजीज़ पर खुद काम कर रहे हैं। और अब वैश्विक पटल पर, वैश्विक मानचित्र पर जैसे सेमीकंडक्टर के बड़े सफल देश के रूप में कि यहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है, भारत भी उस मानचित्र पर अपनी छवि को इंकित कर रहा है। अब मेक इन इंडिया से ज़्यादा मेड इन इंडिया पर फोकस है, तो जो विकासशील देश हैं वो कैसे भारत से मदद लेंगे सेमिकॉन क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। आपने देखा था कि कुछ दिन पहले भी प्रधानमंत्री वर्चुअल रियलिटी, जब प्रधानमंत्री मुंबई गए थे एक कार्यक्रम के लिए, वहाँ उन्हें वर्चुअल रियलिटी को समझा, देखा कि कितनी ज़रूरी है जब हम भारत को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। उस लिहाज से सेमीकंडक्टर का भविष्य, और प्रधानमंत्री ने हमेशा से कहा कि भाई उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जिन क्षेत्रों में अनएक्सप्लोरेबल ज़्यादा मौके हैं, जैसे ड्रोन्स की बात प्रधानमंत्री ने कही थी, सेमीकंडक्टर्स को लेकर और चिप इंडस्ट्री को तो प्रधानमंत्री पहले ही बहुत अग्रणी भाव से ग्रीन शूट्स ऑफ इकोनॉमी में सबसे बड़े धारक प्रवाह के रूप में पहले भी कह चुके हैं। तो उस लिहाज से ये जो कार्यक्रम है जो इंडिया एक्सपो मार्च में इस वक्त चल रहा है ये अहम है, और वैश्विक केंद्र के स्थापक के रूप में कैसे ये भारत को आगे लेकर जाएगा अपने फ्यूचर में। और सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए भारत के जो बिग प्लान है, यानी कि जो उसकी योजनाएं हैं वो किस तरह से हैं, ये भी आपको समझाते हैं। भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन का अगर हम जिक्र करें तो 10 साल के बाद कुछ ऐसी परियोजनाएं या फिर 10 साल के अंतराल में इस तरह की परियोजनाओं को फ्यूलअप करने की तैयारी की जा रही है, जहां सेमीकंडक्टर का उत्पादन होगा, सरकार को चिप पैकेजिंग के साथ साथ इसे और उन्नत करने के लिए जहां 20 प्रस्ताव मिले हैं, और सरकार ने करीबन 1.52 लाख करोड़ रुपये की निवेश की 5 ऐसी परियोजनाएँ हैं जिनको मंजूरी दी है। तो सरकार को सेमीकंडक्टर मिशन के तहत केंद्र के प्रोत्साहन के लिए जो 20 प्रस्ताव मिले उसमें डिज़ाइनिंग कितनी इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, और डिज़ाइनिंग का जो पेटेंट होगा वो भी भारत का होगा, और जब भारत का पेटेंट है कैसे भारत उसका हब बनना चाहता है, यानी कि सिंगापुर में सेमीकंडक्टर का जो प्रोडक्शन है वो अहम होता है, और भारत अब उन कंपनियों से कैसे सीख कर सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में अपने आप को इसका हब बनाने की इस तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर कंपनियों का दौरा जब हमने देखा, प्रधानमंत्री ने सिंगापुर में भी किया, वहाँ पर प्रधानमंत्री ने क्या पढ़ा, क्या समझा, क्या विजन साझा किया कामकाज करने का तरीका, और उस कामकाज करने का तरीके को कैसे भारत में लाया जाएगा, कैसे भारत उसको फॉलो करेगा। तो सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने को लेकर जो सिंगापुर और भारत में समझौता हुआ है, तो अब जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जाएगी उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रोज़गार मिलेगा, एक मैन्युफैक्चरिंग आप यूनिट खड़ा करते हैं तो उससे बाकी राज्यों को भी एक प्रतिस्पर्धी माहौल मिलता है कि भाई अगर वहाँ पर हो रहा है, राज्य की इकोनॉमी में बढ़ावा होता तो भाई हमारे यहाँ क्यों नहीं। आप देखिए कि एक तीर से कई निशाने साधे जाएंगे, तो इम्पॉर्टेंट है, ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ से नौकरियाँ तो सृजित होंगी ही होंगी, साथ ही स्टार्टअप्स को अहम बढ़ावा मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा, और परिवेश तंत्र को विकसित करने के लिए कैसे भारत में जब हम सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं उसे शेपअप करने के लिए इस तरह के जो मंच हैं वो अहम योगदान देंगे। साथ ही सेमीकंडक्टर्स की अगर हम जब बात करते हैं तो स्मार्ट कंप्यूटिंग आप ले लीजिए, स्मार्ट टीवीज आप ले लीजिए, उसमें इनका अहम योगदान है, और आज आप देखिए कि हर
घर में स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, ये सब मौजूद हैं। अब इसमें चिप्स की ज़रूरत है और वो चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग अगर भारत में होता है तो उस लिहाज से एक यूनिट लगाते हैं, अगर एक यूनिट सफलतापूर्वक काम करती है उसी राज्य में दूसरी यूनिट उससे अच्छा काम करे, एक प्रतिस्पर्धी माहौल होता है और यही माहौल अन्य जो तमाम राज्य हैं वहाँ पर इस तरह की यूनिट्स लगाने के लिए एक मुफीद माहौल को तैयारी देती है। तो आप देखिए कि कितने सारे प्रोत्साहन प्रस्ताव, और जब तमाम राज्यों में अलग अलग निवेश सम्मेलन होते हैं तो निवेश सम्मेलन जब होते हैं तो कोशिश की जाती है कि भाई उन तमाम क्षेत्रों को चयनित किया जाए जहां सबसे ज़्यादा निवेश आया है। और प्रधानमंत्री का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर आर गेम चेंजर्स, दे आर गेम चेंजर्स फॉर द नेक्स्ट फ्यूचर, क्योंकि हम नेक्स्ट फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए वोकेशनल सेक्टर्स से उठकर जो अनकन्वेंशनल सेक्टर्स हैं वहाँ पर किस तरह के मौके हैं। तो आप देखिए कि सेमीकंडक्टर जो पूरा सेक्टर है वो इन संभावनाओं से भरा पड़ा है। आप पीछे देख सकते हैं कि वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खड़े हैं और यूपी में जो कई निवेश सम्मेलन हुए हैं उसमें अब निवेश सम्मेलन फिर होने वाला है, तो किस तरह से जब आप यहाँ पर तमाम कंपनीज पेश करेंगी कुछ सॉल्यूशंस, कुछ अपने इस एक्सपो में आप देख सकते हैं जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हैं, क्या उन प्रोजेक्ट के तहत निवेश को आकर्षित करने की कितनी क्षमता है वो इस सेमीकंडक्टर का जो सेमीकॉन इंडिया 2024 है उससे सामने निकल कर आएगा। छोटी सी चिप अगर इस माध्यम से कहाँ खेती हो रही है और खेती में किस तरह से आप कौन सा उत्पाद, कौन सा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाला बीज है, इससे अगर वहाँ पर फ़ायदा मिलता है तो किसानों के लिए लाभदायक है। आपकी कंपनी में किस तरह के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से आने वाले जो कई साल है वो आपकी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, उससे फ़ायदा मिलेगा। तो लबोलबाप यही है कि इस क्षेत्र से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लिया जाए। और प्रधानमंत्री ने जब सिंगापुर का दौरा किया था तो वहाँ इस क्षेत्र से जुड़े जब तमाम इम्पॉर्टेंट MOUs पर साइन हुआ, वो MOUs भी इसी लिहाज से इम्पॉर्टेंट थे कि इस डील से इस पूरे क्षेत्र को फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आए। क्योंकि जब हम सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में टैलेंट को डेवलप करने की बात करते हैं और सेमीकंडक्टर के जो तमाम कोर्सेज हैं तो सिंगापुर के जो तमाम विश्वविद्यालय वहाँ पर इस तरह के कस्टमाइज कोर्सेज हैं, भाई वहाँ के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर इस तरह से कोर्सेज जो जुड़े हुए हैं उनकी पढ़ाई करवाई जाती है। यही एप्लीकेबल कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पर मॉडिफाइड वर्जन में अप्लाई होता है तो आप समझिए कि अगर यूनिवर्सिटी लेवल से ही सेमीकंडक्टर्स को लेकर पढ़ाई कराई जा रही है और इस तरह से आप कौशल प्रशिक्षित होते हैं, हर हाथ को हुनर प्रशिक्षण के लिए, क्योंकि हाथ का काम है ना, से आप हाथ से बनाएंगे और आपकी एक बेंट ऑफ माइंड है तो आपकी तैयारी यूनिवर्सिटी लेवल से ही हो जाती है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रियल पार्क के बेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ी जानकारियां भी साझा की गई थी सिंगापुर में, उससे क्या फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा ये हमें देखना है, क्योंकि भारत में काफ़ी ज़मीनी और स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड लेबर की तो कोई कमी नहीं है भारत में। ऐसे में भारत सिंगापुर के सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन का हिस्सा बन सकता है और ये वैल्यू चेन लगातार ऐड होती रहेगी। और प्रधानमंत्री इस वक्त स्टेज पर पहुंच चुके हैं सेमीकॉन इंडिया 2024, जहां पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का संबोधन हम सुनेंगे। समर्पण और सक्षम नीतियों के आधारशिला पर विकसित भारत की भव्य इमारत को मूर्त रूप देने में प्रण प्राण से जुटे माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका सेमीकॉन इंडिया 2024 में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आपकी ही दूरगामी सोच का परिणाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिसके महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में सेमीकॉन इंडिया 2024 एक और महत्वपूर्ण कदम है। विश्व पटल पर अपने अटल इरादों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को आतुर भारत आज सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में भी आगे बढ़कर ग्लोबल वैल्यू चेन्स और सप्लाई चेन्स में अपनी भूमिका निभाने को तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके निर्णायक नेतृत्व में ही भारत सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के मार्ग पर अग्रसर है। आइए कृतज्ञ भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः हार्दिक स्वागत करें। साथ ही मंच पर विराजमान हमारे गणमान्य अतिथिगण, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड रेल मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव,
उत्तर प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री जितिन प्रसाद, डॉक्टर महेश शर्मा सांसद गौतम बुद्ध नगर, श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, आप सबका भी हार्दिक स्वागत करते हैं. And also we extend warm welcome to distinguished leaders of the business world gracing the dais today, Mr. Ajit Manocha from SEMI, Mr. Kurt Sievers from NXP, Mr. Lukman Den Hall from IMEC, Mr. Hitoshi Shibata from Renesas, Dr. Randhir Thakur from Tata Electronics, Mr. Toshiki Kawai from Tokyo Electron Limited, Mr. Bob Pragada from Jacob Solutions, Dr. Prabhu Raja from Applied Materials and Shri Velayan Subbaiya from CG Power. इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, अन्य राज्यों से आए मंत्रीगण, सचिव इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, भारत सरकार और उद्योग जगत के दिग्गज महानुभावों के साथ साथ देश के अलग अलग कोनों से हमारे बीच यहाँ उपस्थित छात्र और शैक्षणिक संस्थानों के फैकल्टीज और साथ ही देश भर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे स्टूडेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की फैकल्टीज और हेड्स, आप सबका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं. सेमीकंडक्टर्स, छोटा सा चिप जिसकी निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित हो, इसकी महत्ता का अंदाजा विश्व को कोविड काल में लगा. ये चिप जो आधुनिक तकनीक का आधार स्तंभ है, हमारे स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, मेडिकल डिवाइसेस और वाहनों की फंक्शनिंग इसी पर निर्भर करती है. इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहे भारत ने भी ठान लिया है कि मात्र कंज्यूमर नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन में वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ना ही है और सेमिकॉन इंडिया 2024 इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. और अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष मोमेंटो भेंट कर उनका अभिनंदन करें. इस मोमेंटो में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से मेक इन इंडिया का लोगो शेयर दर्शाया गया है जो दिखाता है कि अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सेमीकंडक्टर्स की शक्ति का उपयोग कर आधुनिक दुनिया को सशक्त बनाने के लिए तैयार है. धन्यवाद माननीय मंत्री जी. मान्यवर, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य है कि एक वाइब्रेंट सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम का निर्माण करना ताकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभर सके. भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव और सफर पर आइए देखते हैं ये शॉर्ट फिल्म. फ्रॉम द स्मार्टफोन्स इन आवर हैंड्स to the satellites in space. Electronics today are made possible by a tiny component, semiconductors. The foundational industry of all tech-driven transformation, semiconductors form our modern world. It has a 5 to 6 times job multiplier effect on the downstream industry. It is the backbone for digital infrastructure, just like steel is for physical infrastructure. Overcoming past challenges that hindered the development of the semiconductor ecosystem for 60 years. What was once a distant dream has now become a reality under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi with the strong backing of the Semicon India program. Pravish ke saath semiconductor juda hua hai. Har upkaran mein made in India chip kyon na ho? Kyon ye sapna mere desh ka naujawan dekhe? Talent yahan hai. सेमीकंडक्टर का काम भी हिंदुस्तान में होगा और हम एंड टू एंड सॉल्यूशन दुनिया को देने की ताकत रखते हैं. विद एन आउटले ऑफ रुपीज 76,000 करोड़, द सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम ऑफर्स 50% अपफ्रंट फिस्कल सपोर्ट फॉर सेमीकंडक्टर फैब्स, डिस्प्ले फैब्स एंड फैसिलिटीज फॉर कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर्स, डिस्क्रीट्स एंड सेमीकंडक्टर पैकेजिंग. For workforce development, 200 plus institutes are offering specialized courses in semiconductor technologies. Additionally, Government of India is partnering with global players to develop skilled professionals. Development of world-class research institution and significant R&D investments from industry players are being done.
Under the Semicon India program, India has already attracted over rupees 152,000 crore or $18 billion in investments. Understanding its role in the global trusted semiconductor value chain, India has been partnering with leading countries, namely US, EU, Japan, Singapore. Semicon India 2024 will offer comprehensive exhibitions, insightful programs, and unmatched networking opportunities among the semiconductor industry leaders. As we embrace this new dawn, we look forward to a future where India spearheads a global semiconductor supply chain that is unshakable in the face of disruptions. तो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में नए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध है भारत. Ladies and gentlemen, now I would like to invite Honorable Union Minister for Electronics and Information Technology, Shri Ashwini Vaishnav, to welcome our esteemed guests and to elucidate the purpose and significance of Semicon India 2024. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath ji, my colleague Minister Shri Jitin Prasad ji, all the respected dignitaries on the dais, esteemed industry leaders, distinguished guests, members of the media, academia, and my dear students, it is a very auspicious day today. We have, for the first time in the history of our nation, participants from the entire ecosystem of the semiconductor industry. Thank you very much for coming and blessing this blessed land. We have chief executive officers and executives from fabrication, equipment manufacturing, ATMP, chemicals, gases, advanced materials, testing equipment, design companies, software companies, universities, and many state governments, as well as the banking representatives among us. All stakeholders vital for developing of a robust semiconductor ecosystem are today present under one roof. I extend a very warm welcome to each one of you. The enthusiastic participation of all the stakeholders across the semiconductor ecosystem is a strong indicator of the success of our Honorable Prime Minister's vision, his capability to execute, and the methodical way in which he has conducted this policy. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision is to democratize access to technology. All the initiatives taken so far, whether it is Digital India Mission, the Telecom Mission, everything has brought technology in the hands of common citizens. The growth of semiconductor industry in our country will further deepen this vision. Our country first tried to start semiconductor industry about 60 years ago. This is because semiconductor is a foundational industry. Chips manufactured in semiconductor industry are used in medical instruments, mobile phones, laptops, cars, trucks, trains, televisions, practically everything that is switched on or switched off. After many attempts, finally, it was under our Prime Minister's visionary leadership that we succeeded in getting the industry to our country. Within the first phase of our mission, in a very short time frame, 5 semiconductor units have been approved. Construction is rapidly under progress in the Micron unit, the Morigaon Tata unit construction has started, and the other 3 units construction will start very soon. Permitting, getting all the permissions has happened in a record time frame, which is, if you benchmark it with the rest of the world, this is indeed a new record. Talent development, friends, has been a key part of the Semiconductor India program. We have committed to develop a strong talent pool of 85,000 engineers and
technicians in the next 10 years. And we have delivered on a promise. For this purpose, already 113 universities, academic institutions, and R&D organizations have been tied up where semiconductor-focused course curriculum is being taught. And the course curriculum has been designed by the industry participants, so that is very relevant to what the industry wants. The industry participants are also playing a crucial role in developing human resources. We have LAM Research Semiverse program, which is now running across 74 universities, and it is already trained 2,600 students this year. The program is going to be scaled up in a massive way in the coming years. AMD has already inaugurated its first global design center in Bangalore, which is having about 5,000 engineers, and the next phase will be bigger than this. Applied Materials has commissioned the first India Validation Center. Even though it's a small unit in size, about 200 engineers are working there, but it is a very big step for making sure that the forthcoming fabs and ATMP units in India, they get the ATMP technology in time and as per their own needs. The focus on the design ecosystem is a critical aspect of Semiconductor India program, and we already have a very big strength in design. We have more than 300,000 engineers working in design ecosystem for various companies, and about 52,000 of them are working on really leading edge and complex chips. Our focus on design ecosystem development will lead to at least 3 or 4 major products in the coming years. Already 13 design ecosystem partners who have received financial assistance from the India Semiconductor Program have started developing, and from what I understand, 4 of them have already started getting VC interest, and 2 of them have started getting the funds from the VC industry. Friends, the semiconductor industry is a foundational industry. It has a tremendous multiplier effect across the entire economy. The scale of electronics and mobile manufacturing is expanding rapidly in our country, and establishing the semiconductor units will drive exponential growth in the automobile, medical, industrial, transport, consumer electronics, practically every manufacturing sector. I would like to thank all industry participants and state governments for your contribution to this event. I extend my gratitude to Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath Ji, for hosting the Semicon 2024. And finally, my heartfelt gratitude to Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi Ji, for his visionary leadership in developing India's semiconductor ecosystem. I once again welcome you all. Thank you, and Jai Hind. Thank you, Honorable Minister, for setting the tone for this prestigious event. Manivar, Mananiya Pradhan Mantri Ji ka hi kathan hai, yahi samay hai, sahi samay hai. Aur yahi sahi samay hai, jab semiconductor ke kshetra mein bhi udyog jagat यदि सरकार की विकासोन्मुख नीतियों के साथ जुड़कर सक्रियता से काम करे तो भारत करके दिखा देगा. एक से एक मिले तो राय बन सकता है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत. लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे वी आर ऑनर्ड टू हैव विद अस द ग्लोबल लीडर्स फ्रॉम द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री. इट वुड बी आवर प्लेजर टू लिसन टू देम एज दे शेयर देयर थॉट्स ऑन इंडियाज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव्स. Please join me in welcoming them with a round of applause. At the onset, it is my honor to welcome Mr. Ajit Manocha, President and CEO, SEMI, which is a global industry association fostering global collaboration in the semiconductor industry. Ladies and gentlemen, Mr. Ajit Manocha. Good morning. Namaste. Honorable Prime Minister Modi Ji, Shri Ashwini Ji, Chief Minister Yogi Ji, and Sabhi dignitaries, thank you, and all the participants for this first global
Semicon India 24. I would start with the word wow. Wow, based on the reception here, based on the setup of the whole event here, and the size and scale of the event here. And I have two messages to give. One is unprecedented. The second message is exponential. Now, what do I mean by that? Semicon have been done in many countries, and this is the first global Semicon in India. And when I compare this with other first Semicons in other parts of the world, this is factor of 4 or 5 bigger for the first Semicon. That's unprecedented. Secondly, Shri Ashwini ji talked about the meetings we had yesterday. We have more than 100 CEOs and CXOs from all over the world representing the total electronic supply chain for semiconductors and downstream and upstream. It has never happened in my experience in this industry for the last 44 years. That's unprecedented. And more importantly, all the leaders who spoke yesterday at two different meetings, they came with the convincing views that we want to become the trusted partner of India for creating the semiconductor hub in this country, because that would be good for India, good for the world, and good for the industry, good for the humanity. So that was very, very encouraging and inspiring. And that's also unprecedented, that kind of consensus building in one visit. So I'm really impressed with the leadership, the vision that is really sticking with everybody in the world. Now, this is unprecedented. While the industry is going through an unprecedented move, the opportunities for this industry are unprecedented. Industry is going to double in revenue. For what happened in the last 70 years, will double in 7 years to $1 trillion revenue. And that's because of the many, many disruptions. May it be IoT in the past, which is still going on, and now AI, I'm sure everybody understands the power of AI, the opportunities from AI. And if that's not enough, wait until the next decade, the decade of quantum, and that's only around the block. And that will take from 1 trillion to 2 trillion in next 10 years after the 1 trillion landmark. So this is all unprecedented opportunities. At the same time, when we have unprecedented opportunities, we have unprecedented challenges. And I can tell you these challenges are so big, so difficult, but I'm not worried about that because we have the path to deal with those challenges together around the globe. Talent, challenges for talent, talent for supply chain, talent, challenge for climate, and SEMI is on the top of these things, and there is a lot of programs within SEMI, and SEMI is going to bring those programs in India to support and knock down those barriers and get to the growth that India deserves and the world deserves and the industry deserves. So I think we are on the unprecedented challenges, unprecedented opportunities, and of course, we have unprecedented actions and all that is underway in India. And thanks to all the colleagues who have come from all over the world, we are all united. Now, next thing is exponential. When I talk about this growth, I mean, if you take the example just right here in India, when I had the opportunity to meet Modiji first time in July of 22, we had the first announcement by Micron. And I said, pehle log kehte the ki kab shuru hoga? And I said, ab shuru ho gaya. Ab mujhse aaj puchoge kya ho raha hai? Main kahunga, ab hum dod rahe hain. Because pehle to chal rahe the, ab hum dod rahe hain. Kyun? From one unit to now 5 units and many more to come because the opportunities are there. And Modi ji talked about Moore's law, which a lot of my colleagues probably fully understand. And he said, Hindi India mein din dugni char chugni tarakki karni hai humko. He made the reference to Moore's law, which is has the another growth for the industry. And I told Modi ji that we're going to have to come with Modi's law. And the Modi's law is the law of exponential growth, not just bloody going slow speed. So Modi ji,
Your new law is the law of exponential. We'll call it Modi's law of exponential growth. And this is a message to all fellow Indians and all my industry colleagues that we got to support this vision and make it happen, because that's good for not just for India, but for the whole world, and more importantly, for the humanity. Because semiconductor industry is foundational to every industry in the world, and even more importantly, for the humanity. And we need to work for the 1.4 billion people of India and 8 billion people of the world. So let's make this happen. Thank you very much, and namaste. Thank you, Mr. Manocha, for your very encouraging words. And now I would like to invite Dr. Randhir Thakur, CEO and MD, Tata Electronics. Tata Electronics is taking constructive initiatives to create an indigenous semiconductor ecosystem in India. Ladies and gentlemen, Dr. Randhir Thakur. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, thank you. Thank you for making this historic gathering possible and for your vision to bring the semiconductor industry to the shores of India. Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath ji, Honorable Minister Shri Ashwini Vaishnav ji, Honorable Minister of State Shri Jitin Prasad ji, METI and ISM leadership, government dignitaries, and my esteemed industry colleagues. On 13th of March this year, Honorable Prime Minister Modi ji laid the foundation stone of India's first commercial fab in Dholera, Gujarat, and first indigenous OSAT factory in Jagiroad, Assam. We are grateful to Honorable CM of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel ji, and Honorable CM of Assam, Shri Himant Biswa Sharma ji, for their exemplary leadership and support to make it happen as well. Both our projects received approval from Government of India in record time, setting a global benchmark. This was possible due to the outstanding say-do ratio and collaboration demonstrated by the India Semiconductor Mission, consistent with Honorable Prime Minister's message of operating with a sense of urgency. Our strategic partnership with Power Chip Semiconductor of Taiwan has established access to proprietary technology platform from 28 nanometer to 110 nanometer nodes to address markets such as AI, automotive, data storage, and communication. A semiconductor fab requires an optimal combination of technology, talent, and capital, but any one of them is not enough. Chip making requires more than 1,000 sophisticated semiconductor partners to work as a team. Let me emphasize the following 11 ecosystem areas that are crucial to chip making: fab design, construction, semiconductor equipment, materials, substrates, masks, chemicals and gases, AI-led fab, and design automation, design IP, social infrastructure, and logistics. Chip making is a team sport. As many of you know, the game of cricket needs 11 players as well, each with a specific skill. Today, with the leadership of the Government of India, these 11 ecosystem areas are represented right here at this event. You have our commitment that we will work with all of the partners present here. Let's play together like the Indian cricket team that won the T20 World Cup. We have announced partnership with some of the ecosystem players, such as Synopsys of USA for design, Tokyo Electron of Japan for equipment, ASMPT of Singapore for packaging, and we'll continue to seek more partners. This is possible because of our Honorable Prime Minister's global outreach and emphasis on India's semiconductor mission. Tata Group has a long history of pioneering industries in India. Tata brought steel manufacturing to the country, and now we are committed
to building a robust semiconductor industry. After all, semiconductors are fundamental to digital infrastructure, just like steel is to physical infrastructure. Honorable Prime Minister, we firmly believe that semiconductor industry will be the bedrock of your vision of a Viksit Bharat by 2047. This industry is complex and requires extraordinary talent. We are partnering with the government, industry, and academia to build India's semiconductor talent. As you saw in Tata Electronics booth during your visit, a number of ecosystem partners are already working in harmony with us to create chips packaged in Bharat. We'll create 50,000 jobs as part of this journey, which is just the beginning. Semiconductor industry has a multiplier effect on job creation, and every semiconductor job will create 10 additional jobs in the ecosystem. In the words of founder Jamshedji Tata, the community is at the heart of everything we do. We will build world-class social infrastructure in Gujarat and Assam. As our chairman, Mr. Chandrasekharan, said, these semiconductor manufacturing hubs will have a lasting impact on the entire nation. Sir, India's semiconductor dream has been possible only due to your leadership and vision. Maniya Pradhan Mantri Ji, jaise aapne kaha hai, yahi samay hai, sahi samay hai, Bharat ka anmol samay hai. This is the time, the right time, India's precious time to secure India's digital future. Jai Hind. Thank you, Dr. Ranthir Thakur, for your progressive thoughts. I would now call upon Mr. Kurt Sievers, Executive Director, President and CEO, NXP Semiconductors. Honorable Prime Minister Modi, leaders of the Indian government, and industry colleagues and guests of Semicon India 2024. I am very, very excited, but also humbled to see all of you coming together to this event. And I think it marks a major milestone on the transformational journey of India. And it is a big milestone because in all of my experience for the semiconductor industry, there are three attributes for success: ambition, trust, and collaboration. And I think looking at all of you is a very, very strong sign that collaboration starts to come together here in India. Now, this is a marathon, it's not a sprint. You all said the semiconductor industry is a complex industry and it takes a long-term vision to be successful. Now, I said it is a transformational journey. We from NXP, we've been here in India for about 50 years. We have some 3,000 employees and engineers, and we have designed some of the most innovative semiconductor devices for the world in India. The transformation I am seeing now is that for the future, we will not only work in India for the world, but we will also work in India for India. And that is all about the multiplier impact the other speakers have talked about, which semiconductors have. We are engaging here with system design houses. We are engaging with the whole industry downstream in the automotive sector, in the industrial sector. And that is going to make India extremely powerful as an economy, far, far beyond semiconductors. In that context, NXP is committed to double its R&D efforts here in the country in the next few years
which is far in excess of $1 billion. And what attracts us as a company, as a global company, to work in and with India is three elements. And Honorable Prime Minister, I see you very much incorporating those three elements. It is a magic combination of innovation, democracy, and trust. Our industry needs a long-term orientation. All investments are for the long term. So a stable environment which is founded on trust, innovation, and democracy is exactly the environment which we need to work for the long run. And with that, I can only repeat, NXP is here to stay. NXP is committed to boost the ecosystem of semiconductors in India, for India, and for the world. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Kurtzevers, for your valuable perspectives. And now I invite Mr. Hitoshi Shibata, Representative Director, President, and CEO, Renesas Electronics Corporation, which is world's third largest automotive semiconductor company and the largest microcontroller supplier. Ladies and gentlemen, Mr. Hitoshi Shibata. Good morning, everyone. Honorable Prime Minister Modiji, Minister Ashwiniji, Chief Minister Uttar Pradesh Yogiji, congratulations on such a successful inauguration of such a commemorative event at Semicon India 2024. I feel so privileged to be standing in front of all of you today, and I'm so excited. Just to give you an extremely brief introduction of who we are Renesas Electronics, originated in Japan. We are one of the world's leading embedded semiconductor solutions, enabling automobiles, smart factories, healthcare equipment, and other consumer products. We have a privilege to be partner with such a renowned institution as CG Power, Villain sitting there, to establish one of the India's first assembly and test capabilities, facilities in Sanand, Gujarat. And the construction of the pilot line is already underway with a view to beginning the full construction of the full facility sometime very soon. And as I speak today, we are expanding, just as Kurt from NXP mentioned, we are also expanding our activities, operations, presence here in India, in Bangalore, Hyderabad, and here in Delhi, Noida, with a view to more than doubling our headcounts in India by sometime next year to shoulder a lot more of the value-added advanced semiconductor design activities for the India market, as well as for the global market. Just to give you a sense, the world's first 300 millimeter commercial semiconductor fab belongs to us, and it's still running 24/7 seamlessly, which means we know the pains associated with bringing up such a sophisticated technology as semiconductor production ground up. So based out of those knowledge, experiences, expertise,
I'm so excited to play a role in bringing up semiconductor technology in India so that we can play a, hopefully a big role in making, as Ajit talked about, Modi's role to reality. Thank you. Thank you, Mr. Hitoshi Shibata, for your words of appreciation. And I would request Mr. Luke Van den Hove, President and CEO, Inter University Microelectronics Center, that is IMAC, which is International Research and Development Organization. Mr. Luke Van den Hove. Honorable Prime Minister, honorable ministers, esteemed representatives of the government, dear business leaders, dear colleagues, I would like to congratulate you with your vision and your leadership. It is more than clear that India is ready to boost its semiconductor manufacturing. But you also expressed your interest and commitment to set up and invest in a longer-term R&D strategy. For this business, this is extremely important. As Kurt Sievers already mentioned, this is not a sprint, this is a marathon, as you need to be in it for a long term. We from IMEC, as the world's largest R&D hub, in the domain of semiconductors, we are ready. We are ready to form a strong and strategic partnership to support your ambitious plans. All of this is so important. It is so important for India, but it is so important also for the entire world. The world needs a reliable supply chain. And who can be a better trusted partner than the world's largest democracy? We wish you a lot of success. You have our strong support. Thank you for your leadership. Thank you. Thank you, Mr. Luke Van den Hove. Manivar, Uttar Pradesh, tez gati se pragati ke path par agrasar, ek aisa rajya hai जो नई सेमीकंडक्टर नीति के साथ इस क्षेत्र की अपार संभावनाओं को साध कर आगे बढ़ने को तत्पर है। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से सादर अनुनय करती हूं कि इस अवसर पर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय रेल सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री माननीय श्री जितेंद्र प्रसाद जी, माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र चौधरी जी, सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री के दुनिया भर से पधारे सभी ग्लोबल लीडर्स, CEOs, आज के इस समारोह में उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण, इस फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञगण और उपस्थित बहनों और भाइयों,
सेमिकॉन 2024 के आज के इस उद्घाटन अवसर पर मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस त्रिदिवसीय प्रतिष्ठित इवेंट के लिए उत्तर प्रदेश का चयन करने और इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए कैप्टन सीओज को, जो पूरे इकोसिस्टम के माध्यम से इस पूरी इंडस्ट्री को एक नई गति देकर के भारत को एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए आयोजित होने वाले इस समारोह के प्रति उनके प्रति हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि सन 2020 इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 के कारण लगातार प्रभावित रही। एक ओर कोविड-19 का दुष्प्रभाव और दूसरी ओर भू राजनीतिक वैश्विक तनाव से ग्लोबल सप्लाई चेन पर एक बुरा असर पड़ा था। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी इससे प्रभावित हुई। उस समय हमने देखा होगा हर एक फील्ड में, ऑटोमोबाइल का रहा हो, मेडिकल इक्विपमेंट का रहा हो या इलेक्ट्रॉनिक आइटम से जुड़े हुए हर एक क्षेत्र में हम लोगों को इससे प्रभावित होते हुए देखा गया। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि अपने विजनरी लीडरशिप के माध्यम से जब दुनिया कोविड-19 से अभी पस्ती थी, सफलतम कोविड-19 के प्रबंधन के साथ ही भारत सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए अपनी नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है। यह भारत की आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन और उनकी विजनरी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश ने भी इस दिशा में आईटी सेक्टर, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष ध्यान देने और इस दिशा में कुछ नए प्रयास हो सकें यह कार्य प्रारंभ किया। पिछले कुछ वर्षों के दौरान जो प्रयास उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुए, आज उसका परिणाम है कि देश की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के 55% का मोबाइल कंपोनेंट के 50% उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यातक के रूप में उभरा है। सैमसंग इंडिया ने अपना डिस्प्ले यूनिट प्लांट की स्थापना का निवेश भी इसी नोएडा में किया है। आज उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर के एक बड़े हब के रूप में स्थापित हुआ है। प्रदेश में सेमीकंडक्टर का अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू की गई है। इस नीति में पूंजीगत सहायता, ब्याज उपादान,
भूमि मूल्य तथा स्टैंप व विद्युत शुल्कों में भी छूट करने के अनेक आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पहले से ही वैश्विक सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स के हब के रूप में स्थापित हो रहा है। मीडियाटेक, ईआरएम, क्वेलकॉम, एनएक्सपी, कैंडेंस और सिनॉप्सिस जैसी प्रमुख कंपनियां यहां प्रदेश में स्थापित हैं। यह उत्तर प्रदेश में स्थानीय प्रतिभा को लाभ उठाने में व सेमीकंडक्टर डिजाइन तथा मैन्युफैक्चरिंग में इनोवेशन को बढ़ावा देने में अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं। इसको देखते हुए आईटी इंडस्ट्री को प्रदेश में उद्योग का दर्जा देने का निर्णय किया गया है, जिससे प्राधिकरणों के अधीन उद्योग भूमि को औद्योगिक सस्ते दरों पर आईटी कंपनियों को दिया जा सके तथा 150 किलोवाट की सभी आईटी कंपनियों को औद्योगिक दरों पर विद्युत की आपूर्ति भी किया जा सके। प्रदेश में निवेश के अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश ने लगातार टॉप अचीवर का दर्जा हासिल किया है। सेमीकंडक्टर, आईटी, आईटीएस, डाटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस एंड एरोस्पेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक, एमएसएमई, टेक्सटाइल व टूरिज्म आदि से संबंधित 27 सेक्टोरियल पॉलिसीज वर्तमान में प्रदेश में लागू हैं। उत्तर प्रदेश में एफडीआई, फॉर्चून ग्लोबल 500 और फॉर्चून इंडिया 500 कंपनियों के लिए भी एक हमारी समर्पित नीति है। उद्यमियों की सुविधा के लिए टेक्नोलॉजी का अधिकाधिक उपयोग हो, इसके लिए सिंगल विंडो निवेश मित्र के माध्यम से 450 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं संचालित की जा रही हैं। एमओयू मॉनिटरिंग हेतु निवेश सारथी पोर्टल विकसित किया गया है। इंसेंटिव वितरण भी आज प्रदेश में ऑनलाइन किया जा रहा है। निवेशकों की सहायता के लिए 100 उद्यमी मित्र तैनात किए गए हैं। इज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी की बेहतरीन व्यवस्था, सुदृढ़ कानून व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश की यूएसपी है। उत्तर प्रदेश में रोड और रेलवे का एक बड़ा नेटवर्क है। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रदेश से होकर के गुजरते हैं। वाराणसी से हल्दिया के मध्य देश का पहला इनलैंड वाटरवे संचालित है। वाराणसी में मल्टी मॉडल टर्मिनल के साथ ही दादरी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, पुड़ाकी में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब विकसित किए जा रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे राज्य का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क, फिल्म सिटी, टॉय सिटी, एपरेल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, ग्रेटर नोएडा में इंटीग्रेटेड टाउनशिप, बरेली में मेगा फूड पार्क, उन्नाव में ट्रांस गंगा सिटी आदि योजनाएं भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। सेमिकॉन 2024 आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप निश्चित ही भारत को इस फील्ड का, इस इंडस्ट्री का एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करेगा। इस विश्वास के साथ आज यह सेमिकॉन इस दिशा में मील का पत्थर साबित हो, इस विश्वास के साथ इस त्रिदिवसीय सेमिकॉन इंडस्ट्री से जुड़े हुए ग्लोबल लीडर्स और इस फील्ड के विशेषज्ञों और इस फील्ड में रुचि रखने वाले जितने भी यहाँ पर आए हुए छात्र हैं, इन सब को आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आप सबका हृदय से मैं स्वागत करता हूँ और इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
हार्दिक आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके अभिप्रेरक शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, एक सही सोच बड़ा बदलाव ला सकती है। इस सोच को सही दिशा देना, इसका सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करना सक्षम नेतृत्व की पहचान होती है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन एक ऐसी ही सोच है जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रखर नेतृत्व शैली से सिंचित होकर आज मूर्त रूप में साकार हो रही है। संकल्प निश्चिति भाग्यम, यानी नियति नियति तय करती है, विच मीन्स डिटर्मिनेशन डिसाइड्स द डेस्टिनी। माननीय प्रधानमंत्री जी का डिटर्मिनेशन और निर्णायक मार्गदर्शन ही भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में स्थापित कर रहा है। मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से आदरपूर्वक अनुरोध करती हूं कि अपने ओजस्वी वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव, जितेंद्र प्रसाद, ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़े सभी दिग्गज, एजुकेशन रिसर्च और इनोवेशन वर्ल्ड से जुड़े सभी साथी, अन्य अतिथिगण, देवी और सज्जनों, आप सबका नमस्कार। मैं सेमी से जुड़े सभी साथियों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। भारत दुनिया का आठवां देश है जहां ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ा ये भव्य आयोजन हो रहा है, और मैं कह सकता हूं कि दिस इज द राइट टाइम टू बी इन इंडिया। आप सही समय पर सही जगह पर है। 21st सेंचुरी के भारत में द चिप्स आर नेवर डाउन, और सिर्फ इतना ही नहीं है, आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है। When the chips are down, you can bet on India. Friends, semiconductor की दुनिया से जुड़े आप लोगों का नाता डायडोट से जरूर पड़ता है, और आप जानते ही हैं डायोड में एनर्जी सिर्फ एक डायरेक्शन में ही जाती है, लेकिन भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में स्पेशल डायोड्स लगे हुए हैं। यहां हमारी एनर्जी दोनों डायरेक्शन में जाती है। आपके मन में आएगा कैसे, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इन्वेस्ट करते हैं और वैल्यू क्रिएट करते हैं, वहीं सरकार आपको स्टेबल पॉलिसीज और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देती है। सेमीकंडक्टर की आपकी इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड सर्किट से जुड़ी हुई है, भारत भी आपको एक
इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम देता है। भारत के डिजाइनर्स उनके जबरदस्त टैलेंट को तो आप भलीभांति जानते हैं। डिजाइनिंग की दुनिया में 20% टैलेंट का योगदान भारत करता है और इसका निरंतर विस्तार हो रहा है। हम 85,000 टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और R&D एक्सपर्ट्स की सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं। भारत का फोकस अपने स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रेडी बनाने पर है। कल ही अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की पहली बैठक हुई है। इस फाउंडेशन से भारत के रिसर्च इकोसिस्टम को एक नई दिशा भी मिलेगी, नई ऊर्जा भी मिलेगी। इसके अलावा भारत ने 1 ट्रिलियन रुपीज का एक स्पेशल रिसर्च फंड भी बनाया है। फ्रेंड, ऐसे इनिशिएटिव से सेमीकंडक्टर और साइंस सेक्टर में इनोवेशंस का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। हम सेमीकंडक्टर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास एक 3-डायमेंशनल पावर भी है। पहली, भारत की आज की हमारी रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट। दूसरा, भारत में ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग बेस। और तीसरा, भारत का एस्पिरेशनल मार्केट, एक ऐसा मार्केट जो टेक्नोलॉजी का टेस्ट जानता है। आपके लिए भी 3D पावर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का ऐसा बेस है जो आपको कहीं और मिलना मुश्किल है। साथियों, भारत की एस्पिरेशनल और टेक ओरिएंटेड सोसाइटी बहुत ही यूनिक है। भारत के लिए चीप का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी भर नहीं है। हमारे लिए ये करोड़ों एस्पिरेशंस को पूरा करने का माध्यम है। आज भारत चीप का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है। इसी चीप पर हमने दुनिया का सबसे बेहतरीन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है। भारत में लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित करने में आज ये छोटी सी चीप बड़े बड़े काम आ रही है। कोरोना जैसे महासंकट में जब दुनिया के मजबूत से मजबूत बैंकिंग सिस्टम भी चरमरा गए, तब भारत में बैंक बिना रुके चल रहे थे। भारत का UPI हो, रुपे कार्ड हो, डिजी लॉकर से लेकर डिजी यात्रा तक, अलग अलग तरह के डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स भारत के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। आज भारत आत्मनिर्भर होने के लिए हर सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहा है।
आज भारत बड़े पैमाने पर ग्रीन ट्रांजिशन कर रहा है। आज भारत में डेटा सेंटर्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है, यानी ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ड्राइव करने में भारत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। साथियों, एक पुरानी प्रचलित कहावत रही है, लेट द चिप फॉल वेयर दे मे, यानी जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने दिया जाए। आज का यंग और एस्पिरेशनल भारत इस भावना पर नहीं चलता। आज भारत का मंत्र है इंक्रीजिंग द नंबर्स ऑफ चिप्स प्रोड्यूस इन इंडिया, और इसलिए हमने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए 50% सपोर्ट भारत सरकार दे रही है। हमें हमारी राज्य इसमें राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर और मदद कर रही है। भारत की नीतियों के कारण ही बहुत कम समय में 1.5 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में भारत में हो चुके हैं, और आज कई प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम भी एक अद्भुत योजना है। इसके तहत फ्रंट एंड फैब्स, डिस्प्ले फैब्स, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, सेंसर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है। यानी भारत में 360 डिग्री अप्रोच के साथ काम हो रहा है। हमारी सरकार भारत में पूरे सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इकोसिस्टम को आगे बढ़ा रही है। मैंने इस साल लाल किले से कहा है, हमारा सपना है कि दुनिया की हर डिवाइस में इंडियन मेड चिप हो। सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने के लिए जो भी जरूरी होगा भारत वो सब करने वाला है। साथियों, क्रिटिकल मिनरल्स के डोमेस्टिक प्रोडक्शन और इसके ओवरसीज एक्विजिशन के लिए हमने कुछ समय पहले क्रिटिकल मिनरल मिशन की घोषणा की है। क्रिटिकल मिनरल्स को कस्टम्स ड्यूटी से छूट देना हो, क्रिटिकल मिनरल्स को ब्लॉक्स की माइनिंग की ऑप्शन हो, इन सब पर तेजी से काम हो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस में एक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। हम आईआईटीज के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं ताकि हमारे इंजीनियर्स ना सिर्फ अभी के लिए हाईटेक चिप्स बनाए बल्कि नेक्स्ट जेन चिप्स पर भी रिसर्च करें। हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को भी आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोगों ने ऑयल डिप्लोमेसी का नाम सुना है। आज का युग सिलिकॉन डिप्लोमेसी का युग है।
इसी साल भारत इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की सप्लाई चेन काउंसिल का वाइस चेयर चुन गया है। हम क्वाड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इनिशिएटिव के भी बड़े पार्टनर हैं और हाल ही में हमने जापान और सिंगापुर समेत कई देशों के साथ एग्रीमेंट भी साइन किए हैं। इस सेक्टर में अमेरिका के साथ भी भारत अपना सहयोग लगातार बढ़ा रहा है। साथियों, आप सभी भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को भी जानते हैं। कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं कि भारत इस पर फोकस क्यों कर रहा है। ऐसे लोगों को हमारे डिजिटल इंडिया मिशन को जरूर स्टडी करना चाहिए। डिजिटल इंडिया मिशन का लक्ष्य देश को एक ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव और लीकेज फ्री गवर्नेंस देना था और आज हम इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट को अनुभव कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए हमें अफोर्डेबल मोबाइल हैंडसेट्स और डेटा की जरूरत थी। इसके लिए हमने जरूरी रिफॉर्म्स और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। एक दशक पहले हम मोबाइल फोन के बड़े इंपोर्टर्स में से एक थे। आज हम दुनिया के नंबर टू प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर हैं। अभी एक ताजा रिपोर्ट आई है, आज भारत 5G हैंडसेट्स का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है। दो साल पहले ही हमने 5G रोल आउट शुरू किया था। आज देखिए हम कहां से कहां पहुंच चुके हैं। आज भारत का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर $150 बिलियन से भी ज्यादा का हो चुका है और अब तो हमारा लक्ष्य और बड़ा है। इस दशक के अंत तक हम अपने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को $500 बिलियन तक पहुंचाना चाहते हैं। इससे भारत के युवाओं के लिए करीब 6 मिलियन यानी 60 लाख जॉब क्रिएट होगी। भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर को भी इसका बहुत अधिक फायदा होगा। हमारा लक्ष्य है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का 100% काम भारत में ही हो, यानी भारत सेमीकंडक्टर चिप्स बनाएगा और उनके फिनिश गुड्स भी बनाएगा। साथियों, भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम सिर्फ भारत की नहीं बल्कि ग्लोबल चैलेंजेस को भी सॉल्यूशन देता है। आप लोगों ने भी डिजाइनिंग से जुड़ा एक मेटाफर जरूर सुना होगा। ये मेटाफर है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स को बताया जाता है इस फ्लो को अवॉइड करना जरूरी है। मकसद यही होता है कि सिस्टम किसी एक ही कंपोनेंट पर निर्भर न रहे। ये सबक सिर्फ डिजाइनिंग तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी लाइफ में भी विशेष रूप से सप्लाई चेन के कॉन्टेक्स्ट में भी उतना ही लागू होता है। कोविड हो, युद्ध हो, बीते समय में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं जिसको सप्लाई चेन डिसरप्शन से नुकसान न हुआ हो। इसलिए सप्लाई चेन का रेजिलियंस बहुत ही जरूरी है और इसलिए मुझे खुशी है कि भारत अलग अलग सेक्टर्स में रेजिलियंस पैदा करने के लिए मिशन का एक अहम हिस्सा है। और हमें एक और बात याद रखनी है, टेक्नोलॉजी के साथ जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज जुड़ जाती हैं
तो टेक्नोलॉजी की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। वही अगर टेक्नोलॉजी से डेमोक्रेटिक वैल्यूज हट जाती है तो वही टेक्नोलॉजी घातक बनते देह नहीं लगती। इसलिए चाहे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो या सेमीकंडक्टर्स हो, हमारा फोकस एकदम क्लियर है। हम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जो संकट के समय भी रुके नहीं, ठहरे नहीं, निरंतर चलती रहे। आप भी भारत के इन प्रयासों को मजबूत करेंगे, इसी विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायक, सार्थक, प्रभावशाली, उत्साहजनक शब्दों के लिए हृदय से साधुवाद। आपकी अत्यंत ओजमय उपस्थिति के लिए भी आपका आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने का जज्बा कुछ यूं जिंदा है। तो ग्रेटर नोएडा से ये सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन आप सबने सुना, जिसमें उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का 8वां देश है जहां ग्लोबल सेमीकंडक्टर से जुड़ा ये भव्य आयोजन हो रहा है। सही समय पर, सही जगह पर ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और आज आप बिल्कुल सही जगह